भी बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तैयार की और कहीं ना कहीं हमारे इस दिन को इन्होंने बहुत मेमोरेबल बनाया। हमारे इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारा पर्पज इस प्रोग्राम को करने का हमने पहले बताया था कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति से, हमारे जो भी पुरानी जो संस्कृति परंपरा है उनसे इनको अवगत कराना, इनको उनके बारे में जानकारी देना। और इन 15 दिनों में इन्होंने पूरी रामायण को कहीं ना कहीं सीखा, उसे जाना और उसके बाद ही इन्होंने अपने आप को मंच पर उतारा। तो सभी बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद और आप आगे भी इसी तरह से करते रहें। थैंक यू और एक बार वापस जोरदार इन्हीं सब बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू गणेश भैया। गणेश जी भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा इन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहे प्लीज। गणेश भैया जय श्री राम। कभी अच्छे प्रोग्राम देख के बोलते हैं सुंदर, अति सुंदर। मुझे इस प्रोग्राम में कोई शब्द ही सूझ नहीं रहा इसके आगे का। वो तो सुंदर, अति सुंदर, बहुत छोटे शब्द उनके लिए। इतना सुपर स्पीड ऊपर 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 ऊपर, ऐसा प्रोग्राम किसी महिला संगीत कार्यक्रम में भी देखने को नहीं मिला। इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना सुंदर आचरण, मर्यादा अनुशासित जो भगवान राम राज्य की याद दिलाता है वही साकार होने जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है सभी के साथ में और बच्चों के साथ में। जय श्री राम। सभी बच्चों को साधुवाद और प्रदीप लाठी और सोनी सोनानी सनानापी जी जिन्होंने प्रोग्राम को पूरा किया है और शायद अनुप जी अनुप माशी जिन्होंने कोरियोग्राफी की है। बहुत ही जोरदार तालियां सभी के लिए, साधुवाद। थैंक्स अनुप जी माहेश्वरी और ईशिला मैम, जो उन्होंने दोनों ने 15 दिनों से 20 दिनों से इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी सपोर्ट किया और पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी माहेश्वरी और ईशिला मैम का। सारी फैकल्टीज एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाएं। सारी फैकल्टीज अगर स्टेज यहाँ हो तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं।